हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। आई होप आप लोग घर पे होगे, सेफ होगे एंड आई विश यू नो ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस टू यू पीपल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, बेसिकली वो वीडियो कुछ नहीं है, वो पूरा नायका का जो मैंने नायका की सुपर सेवर समर डेज वाली जो सेल अभी आई थी उस पर मैंने परचेज किया है। एंड ये वो सारी चीजें हैं जो काफी टाइम से या तो मेरे कार्ट में हैं और आई वाज वेटिंग फॉर द डिस्काउंट। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मुझे यूज करना है, मुझे उनका रिव्यू करना है, इसलिए मैंने परचेज की है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें क्योंकि ऑफर बहुत अच्छा चल रहा था तो मैंने परचेज की हूं। तो इन टोटल इन सारी चीजों का मिक्सचर होने वाला है ये वीडियो में। और मैं आपको ये भी बताने वाली हूं इस वीडियो में कि आपको सेल के दौरान कैसी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए वाई परचेजिंग। देखो, परचेज तो हम करने को सेल में ऑब्वियसली बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, हम बहुत कुछ परचेज करते हैं उस टाइम पे, लेकिन कौन सी चीज किस टाइम पे परचेज करनी चाहिए वो सब अगर मैं थोड़े बहुत टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं। अगर आपको वो देखना है तो वीडियो के एंड में जाना, मैं यहां का ही मेंशन कर दूंगी एग्जैक्ट टाइमिंग जहां पे मैंने वो टिप्स बताई हैं, तो आप वो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अगर आप ये रिव्यू नहीं देखना चाहते हो, लाइक कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने स्टॉक किए हैं वो नहीं देखना चाहते हो, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू यू नो लेट्स गेट स्टार्ट। मैंने इस बार जो प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं वो बेसिकली रिलेटेड हैं सब कुछ लाइक हेयर केयर से, स्किन केयर से, टुवर्ड्स लाइक केयर पोर्शन। मैंने इस बार मेकअप से रिलेटेड चीजें बहुत कम की है परचेज, लाइक आई हैव परचेज बट बहुत कम। चलो तो अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू नो हेयर केयर। तो हेयर केयर में आई हैव परचेज टू थिंग्स, ओके, बेसिकली बोथ आर मास्क एंड आई विल शो यू। सो आई विल स्टार्ट विद दिस वन। दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू ब्रांड स्वाशकॉफ एंड ये बेसिकली एक क्रीम मास्क है जिसे हम कह सकते हैं कि दिस इज स्पा क्रीम। तो ये मैंने परचेज किया, आई हैव दैट यू नो ये प्रोडक्ट मेरे पास पहले भी था, सो आई थॉट ये काफी कम बचा था, सो आई थॉट टू स्टॉक दिस प्रोडक्ट अप। ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि हम अभी स्पा करवा नहीं पा रहे हैं, तो यार फिर कहां से, मतलब मैं इसको ही यूज करती हूँ बेसिकली। आई यूज द सेम, मैं क्या करती हूँ, पहले तो नॉर्मली इसका इससे मसाज करती हूँ इस क्रीम से, एंड देन आई विल टेक हॉट टॉल, उसको अच्छे से टाइप करके रखती हूँ और उसके बाद मैं इसको वॉश कर देती हूँ 15 मिनट्स के बाद। इफ यू वॉन्ट, अगर आप चाहती हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगी दैट हाउ आई यूज दिस क्रीम। इसका बेसिकली प्राइस इज 660 रुपीज और ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, तो आई एम वेरी हैप्पी, मतलब 10-15 बार तो आराम से चल जाता है, तो इट्स गुड। इसके अलावा जो मैंने दूसरी मास्क यू नो परचेज किया है वो भी इसी ब्रांड से है, एंड दिस इज मोर ओवर अ हेयर मास्क। तो इन दोनों मास्क में बेसिकली डिफरेंस इतना है कि इसका जो क्रीम है वो रूट्स पे लगा सकते हो, बट ये क्रीम आप रूट्स पे नहीं लगा सकते क्योंकि बेसिकली दिस इज फॉर यू नो फ्रीजी हेयर्स। तो आपको ये यहां से नीचे ही लगाना है, इसको हेयर की रूट्स पे नहीं लगाना है, तो ये दोनों में से डिफरेंस है। बट दिस क्रीम हैज माय हार्ट, ये बहुत अच्छी क्रीम है। इसको लगाने के बाद बाल बहुत ज्यादा स्मूथ और यू नो बिल्कुल फ्रीजी नहीं रहते हैं। अगर आपने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करवाया है अपने हेयर्स पे तब तो आपको ये पक्के से खरीदना चाहिए। चलो तो अभी इन दोनों के साथ ना मुझे एक चीज फ्री मिली थी, दैट इज दिस देयर हाइलोरोनिक मॉइस्चर केक। ये स्प्रे कंडीशनर है एंड दिस इज बेसिकली फॉर नॉर्मल टू ड्राई हेयर्स। तो ये वैसा वाला कंडीशनर है कि इफ यू डोंट हैव टाइम, ठीक है, आपने हेयर वॉश कर लिया एंड इफ यू वांट कि आपके बहुत फ्रीजी हेयर्स दिख रहे हैं, तो दिस इज जस्ट अ स्प्रे कंडीशनर। एंड ये बॉटल मुझे फ्री मिला, देखो आई हैव नॉट ट्राइड दिस प्रोडक्ट। अब मैंने इसके बारे में देखा तो था बट आई हैव नॉट ट्राइड, अभी मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ और देखने वाली हूँ कि कैसा होने वाला है। अगर इट इज गोइंग टू गुड तो मैं पक्के से इसका बड़ा बॉटल परचेज करने वाली हूँ। तो ये रहा हमारा हेयर केयर वाला रिव्यू। अब चलो आ जाते हैं यू नो स्किन केयर में। तो स्किन केयर में बेसिकली जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो मेरे फेवरेट ब्रांड से स्टार्ट करने वाली हूँ, वो है कामा आयुर्वेदा। बेसिकली ये जो सेल आई थी ना, इस सेल में कामा आयुर्वेदा पे बहुत जोरदार ऑफर्स थे एंड मेरे लिए, मतलब यार समझते हो, मतलब मैं इसके कुछ प्रोडक्ट है ना वो, मतलब दे आर होली ग्रेल फॉर मी, मैं उनको रोज यूज करती हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट है जो मैंने इस ब्रांड से खरीदा है वो है दिस वन,
आई थिंक आपको नाम प्रॉपरली हाँ अब दिख रहा होगा, इट्स कामा आयुर्वेदा रोज वाटर। अगर आप मुझे यू नो बहुत अच्छे से फॉलो करते हो इंस्टा पे या यू नो मेरे यूट्यूब वीडियोज आपने देखे हैं, तो आपको पता होगा कि ये प्रोडक्ट मेरे दिल के कितने करीब है। मैं इसे बहुत ज्यादा ही पसंद करती हूँ एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस प्रोडक्ट। ओके, ये रोज वाटर है, मैं इसको टोनर की तरह यूज करती हूँ क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ, तो आई डोंट थिंक लाइक कि मैं कोई ऐसे हैवी टोनर इस्तेमाल करूँ। तो मोस्ट ऑफ द डेज मतलब मैं यही टोनर यूज करती हूँ, इफ आई हैव डन सम काइंड ऑफ मेकअप और एल्स, तो मैं रोज वाटर लगाने के बाद भी टोनर इस्तेमाल करती हूँ। इस जो अगला प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है, दिस इज बेसिकली कामा आयुर्वेदा मृदु सोफ फ्री फेस क्लींजर। देखो अभी मैं टोटली घर पे हूँ, मैं बाहर निकलती ही नहीं हूँ, तो मैं अपने फेस पे ना मैं जितना ज्यादा हो सके बेयर फेस रहती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि अभी मैं घर पे 50 तरीके की चीजें अप्लाई करके रहूं। यार ये तो इतना अच्छा टाइम है हमारे लिए कि हम जितना हो सके अपने फेस को टाइम दे सकते हैं कि वो सांस ले। तो जब ज्यादा आप कुछ लगाते नहीं हो फेस पे, तो आपको सोफ फ्री, मैं हमेशा इसको मैंने काफी यूज किया है, ये 3-4 यू नो बॉटल्स में इसकी यूज कर चुकी हूँ और ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सोफ फ्री है, पाउडर फॉर्म में होता है, तो क्या होता है कि आप इसको जस्ट जैसे अपन लोग, आपने कभी किया होगा ना कि बेसन से मुंह वॉश किया हो अपना, सिर्फ बेसन और हल्दी मिला के, बस उसी काइंड ऑफ थिंग है। उसके अलावा जो चीज मैंने परचेज की है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। देखो इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, आई हैव नॉट परचेज्ड इट बिफोर, इसलिए मैंने इसका छोटा बॉटल लिया है क्योंकि आई वॉन्ट टू स्टार्ट, आई हैव अ ऑयली स्किन। बट मैंने काफी जगह इसके बारे में देखा कि बहुत लाइट प्रोडक्ट है, ऑयली स्किन को भी सूट करता है, एंड आई वॉन्ट टू एड इट इन माई यू नो स्किन केयर रूटीन, दैट्स वाई आई हैव परचेज दिस। अगर पसंद आएगा तो आई विल टेक बड़ा बॉटल ऑफ दिस। Now the next thing that I have purchased and I have played a gamble in this, I am not sure like अच्छा है कि बुरा है, but I have purchased, I wanted to review it, okay? And this one is their Kama Ayurveda lip rose lip care, okay? This one. तो I don't know why I have purchased it. मैं कार्ट में ऐड कर रही थी, I have added. I know इससे ज़्यादा अच्छे lip balms available हैं. बट आई डोंट नो व्हाई आई परचेज, और इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है, आई थिंक 600 रुपीज है। लेट्स ट्राई, अगर अच्छा निकलता है तो दैट्स वेरी गुड, एक और एक प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा मेरे इसमें लिस्ट में। उसके अलावा अभी मैं बताती हूँ कि इसके साथ जो मुझे फ्री मिले हैं वो ये हैं। तो यार ये देखो इनका छोटा छोटा छोटू बॉटल मिले हैं दो रोज वाटर के, तो यार ये काफी अच्छे और हैंडी बॉटल है, मतलब ये कांच का बॉटल है और इसमें पंप है ऊपर, मतलब आप इसमें कुछ और भी भर सकते हो। अगर आपको जैसे ट्रेवल करना है ना कभी, तो आपको टूनर वूनर बड़ी बॉटल में कौन भरेगा, और क्यों खरीदना अलग से बॉटल जब हमको ऐसे फ्री सैंपल्स मिल रहे हैं। ये यूज कर लो, इसमें टूनर भर लो, आपका 3-4 दिन का काम तो आराम से हो जाएगा, तो दिस इज गुड। और इसके अलावा ये दो हैंड क्रीम मुझे मिले थे, उसके अलावा एक ये चीज मिली थी कामा ज्वालिनी स्किन ट्रीटमेंट समथिंग काइंड ऑफ थिंग। देखो मैंने इसके कोई ऑयल्स अभी तक ट्राई नहीं किए हैं, बट इन फ्यूचर आई वांट टू ट्राई, तो मैं वही सोच रही थी चलो ये मिल गया है तो आई विल ट्राई दिस। अभी मैंने एक और लिप बाम परचेज किया है, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम जूसी केमिस्ट्री। यार ये लिप बाम के बारे में यू नो एकदम ताबड़तोड़ हल्ला है मार्केट में, है क्या? मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था बिकॉज आई वॉज यूजिंग ऑल अदर वंस, तो अभी मैंने सोचा कि चलो स्टॉप कर लेते हैं क्योंकि इस पे भी कुछ ऑफ था। और बेसिकली इसका प्राइस इज 350 रुपीज, इट्स नॉट दैट बैड, बट ये बहुत प्रॉमिसिंग है प्रोडक्ट क्योंकि मैंने काफी जगह इसके बारे में अच्छे रिव्यूज पढ़े हैं, मेनी ऑफ द यूट्यूबर्स आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट यू नो कॉन्स्टेंटली, तो मैंने सोचा आई शुड परचेज दिस, तो मैंने इसको रिव्यू के लिए भी परचेज किया था। इसके अलावा जो प्रोडक्ट मैंने नेक्स्ट परचेज किया है, दैट इज फॉर अंडर आई। देखो अंडर आई एक बहुत बड़ा कंसर्न एरिया होता है, बट ऑन द सेम हैंड इट इज ऑल्सो अ वेरी नेग्लेक्टेड एरिया, लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं यार, पता नहीं क्यों। सो आई हैव परचेज दिस बायोटिक बायो सीड रिवाइटलाइजिंग एंटी फैटिक आई जेल। ये मैंने बहुत टाइम यूज किया है एंड आई लव 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 दिस प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं जो कि यू नो कितने सारे पैसे खर्च हो जाते हैं बट उनके रिजल्ट बहुत स्लो हैं, बट दिस प्रोडक्ट ऑन द अदर हैंड काफी प्रॉमिसिंग है, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है तो इसको पक्के से। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट अनदर ब्रांड विच इज यू नो माई फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड, एंड दैट इज फेस शॉप। ओके, तो फेस शॉप पे भी काफी अच्छे ऑफर थे एंड इस बार
कम से कम वो शीट मास्क वाले ऑफर से तो कुछ अलग ऑफर था. तो आई लव देयर प्रोडक्ट. सीरियसली दे आर वेरी नाइस. स्किन में बहुत लाइट फील होता है और सबसे बड़ी बात है ऑयली स्किन को बहुत ज्यादा सूट करते हैं. तो द प्रोडक्ट दैट आई हैव रीस्टॉक्ड इज दिस वन. दिस इज राइस वाटर ब्राइट. इफ यू कैन सी, दिस इज राइस वाटर ब्राइट फोमिंग क्लींजर. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लींजर आई हैव एवर यूज्ड एंड आई एम सेइंग इट एंड आई मीन इट. तो ये बहुत अच्छा है. इसका थोड़ा सा क्वांटिटी लगता है एंड इट डीप क्लींस. कोई ब्रेकआउट नहीं होता है. स्किन को काफी रिफ्रेश फील करा देता है. और इसका प्राइस 650 रुपीज है. 650 रुपीज इज नॉट यू नो मोर अगर आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट. और इसका क्वांटिटी अगर मैं बताऊं तो इट्स 150 ml. इसका छोटा वाला मेरे पास था विच आई हैव यूज्ड. तो मैंने इसको बड़ा लेने के लिए सोचा. तो वो भी आप समझो मैं उसको कम से कम 2 महीने से यूज कर रही हूँ कॉन्टिन्यूअसली. अभी तक वो प्रोडक्ट बचा हुआ है तो समझो कितना ज्यादा ये कितना ज्यादा चलने वाला है. तो यार इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 650 वन टाइम इट्स गुड. इसके अलावा मैंने इनका एक और प्रोडक्ट परचेज किया है एंड दैट इज दिस वन. दिस इज जेजू एलो 99%. ये बहुत लाइट एलोवेरा जेल है. कुछ टाइम पहले मैंने इसको परचेज किया था एंड दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड. सीरियसली वेरी गुड. क्योंकि बहुत लाइट वेट है. कोई फ्रेग्रेंस एक्सटर्नली एडेड नहीं है और कोई ब्रेकआउट नहीं है. सी मैं क्यों बार बार ब्रेकआउट्स की बातें करती हूँ, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को अच्छे से पता है कि ब्रेकआउट क्या चीज होती है और वो कुछ भी लगा लेना कुछ भी ब्रेकआउट हो जाता है. तो अभी मैं बताती हूँ कि फेस शॉप को हमेशा ऑफर में परचेज करने का एक फायदा है. क्योंकि फेस शॉप में ना दीज काइंड ऑफ किट्स एंड ऑल आपको मैंने अभी खरीदा था. तो आई हैव परचेज लाइक 699 के ऊपर आप परचेज करते हो तो आपको ना ये बॉक्स मिलता है राइस सेरेमाइट करके. इनका जो पूरा स्किन केयर का सेट है ना वो मिलता है. तो मैंने जो पिछली सेल थी उसमें परचेज किया था तो आई गॉट दिस ग्रीन सीड वन एंड दिस टाइम आई गॉट दिस वन. पहले जो पर्पल की सेल आई थी, पर्पल की सेल में भी मैंने कुछ फेस शॉप के प्रोडक्ट्स परचेज किए थे जिसमें मुझे चिया सीड का मिला. देखो मैं इनके प्रोडक्ट्स जो है वो हाई एंड है. मतलब 2000-2500 के अराउंड आपको मतलब इसके टोनर्स और ये सब मिलेगा. और सबसे बड़ी बात है इनकी काफी रेंजेस है. देखो दिस इज चिया सीड वन एंड दिस इज देन यू नो ग्रीन नेचुरल सीड वन एंड दिस इज राइस सेरेमाइड वन. देखो तीनों बहुत प्रॉमिसिंग है. तीनों प्रोडक्ट्स के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं. बट विच इज गोइंग टू सूट यू अब ये डिपेंड करता है ना. इसलिए मैं हमेशा ऑफर में ही इनको खरीदती हूँ. सो आई हैव नाउ 3 किट्स. अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइक फॉर 1 किट मैं देखती हूँ पूरा प्रोडक्ट लगा के. ऑल दो इसके अंदर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बड़े नहीं है. See, you can see it. इतने छोटे हैं. But this will last for like a month. अगर month भी नहीं चलो तो at least 20 days last करेगा. और 20 days में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा product आपको suit कर रहा है, कौन सा product नहीं suit कर रहा है, ये changes कैसे हैं face पे. तो यार it is very nice. तो अभी बात कर लेते हैं randomly कुछ products के बारे में जो मैंने purchase किए हैं. So the one is you know Mamaearth onion hair oil. तो मैंने वो purchase किया था. I just stocked one because I have हाफ बॉटल लेफ्ट. तो फिर भी मैंने ले लिया. एंड देन आई हैव परचेज वन ऑल्सो रैंडम थिंग दैट इज माई ऑल्सो फेवरेट डिओड्रेंट. दिस इज माइका वॉन्डरलिस्ट और मेडिटेरियन सी सॉल्ट. ये बहुत ही अच्छा डिओ है. इट हैज यू नो हैविंग लाइक फ्रेग्रेंस. बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है. आप पक्के से एक बार परचेज करके देखो. 279 का है. मुझे कुछ ऑफ पे मिला तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. मैं इसको मल्टीपल टाइम्स खरीदने वाली हूँ और ये हमेशा ही मेरे वैनिटी में रहता है. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक सम वेरी लेस मेकअप प्रोडक्ट्स विच आई हैव परचेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेल. और मैंने इस सेल में ध्यान रखा है कि मैं ना थोड़े यू नो मीडियम एंड प्रोडक्ट्स परचेज करूँ क्योंकि मुझे उनका रिव्यू करना था एंड आई एम प्लानिंग समथिंग बिग. क्योंकि यू नो लाइक सम सीरीज आई एम गोइंग टू प्लान. तो उसके हिसाब से मैंने ये प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं. तो आई एम गोइंग टू टेल यू क्विकली विच आई हैव परचेज. सो आई हैव परचेज द प्रोडक्ट्स फ्रॉम इनसाइट ब्रांड, इनसाइट कॉस्मेटिक. सो आई हैव परचेज देयर यू नो मैट लिक्विड फाउंडेशन दिस वन. इसका प्राइस 210 रुपए है. काफी अच्छा मैंने आज जो यू नो फेस पे फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है वो यही है. हाँ मैं ये जरूर बोलूंगी कि इससे कुछ
कुछ बहुत ज्यादा कवरेज नहीं मिलता है, बट इट्स सो 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 लाइट वेट. अगर आप डेली में इसको यूज करना चाहते हो इन यू नो इन प्लेस ऑफ बीबी और सीसी क्रीम, आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. उसके अलावा दिस इज द प्राइमर फ्रॉम इनसाइट ओनली. इसका प्राइस भी 240 है. कुछ ऑफ में मिला था, उसके साथ मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भी फ्री मिले थे, तो ये भी बहुत अच्छा है. मैंने आज ये भी अप्लाई किया है, तो इट्स वेरी लाइट वेट. अभी तक तो मैं यही बोल सकती हूँ. नाउ आई यूज यू नो दिस टू सम टाइम एंड देन आई लेट यू नो. रिव्यू मैं एनी वेज करने वाली हूँ इसका. इसके बाद मैंने क्या किया था कि इसके मैंने ये इनसाइट के मैट टेक्स्चर वाटर प्रूफ स्मच प्रूफ लॉन्ग वेयर आई डोंट नो दिस इज ओके दिस इज अ लिप कलर. ओके दिस इज दीज टू आई हैव परचेज. देखो मैंने इन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा सुना था, बहुत ज्यादा. प्राइस भी इनका कोई बहुत ज्यादा नहीं है. दे आर ओ गुड एट गुड प्राइस. कितना रुपए है? 81 रुपीज में आपको एक अच्छा सा लिप कलर मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है. मैंने ये परचेज किया. आई एम गोइंग टू रिव्यू इट. आई एम नॉट श्योर लाइक राइट नाउ कैसा है प्रोडक्ट, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रिव्यू इट. दिस इज मैट लिप इंक. ये मुझे फ्री मिला है इसके साथ, तो यार फ्री की चीज तो हमेशा ही अच्छी लगती है. करेक्ट. वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट आई हैव परचेज्ड अ लिपस्टिक फ्रॉम ब्रांड हुडा ब्यूटी. या दिस इज माई फर्स्ट लिपस्टिक फ्रॉम हुडा ब्यूटी. दिस इज अ वेरी बोल्ड कलर. दिस इज आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इज बाउसे आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इट्स स्पेलिंग इज BAWSE. ओके so that I have purchased it. It's a beautiful color. I have applied it. I'll show you because show karna to banta hai. So yeah, see, I think ये बहुत डार्क शेड है, और ये उन्हीं लोगों को पसंद आ सकता है जिनको ऐसे डार्क शेड्स पसंद है. और मैं तो भाई दीवानी हूँ लिटरली डार्क शेड्स की. I love it and I got it in just 1200 rupees. See, this lipstick price is around 1900 and there was 600-700 off at that time. That's why I've purchased it. I was willing to purchase one more, but I thought maybe main pehle formula dekhti hu lipstick ka kaisa hai, because I've not tried it. To mujhe I am not a person जो ये सोचता है कि यार नहीं नहीं चलो इन्वेस्ट करते जाओ, अगर ब्रांड अच्छा है तो प्रोडक्ट ही बहुत ज्यादा अच्छा होगा. आई एम नॉट अ पर्सन. मैं हमेशा देख के ही परचेज करती हूँ. दैट्स आई हैव परचेज्ड वन. चलो तो ये रहे मेरे प्रोडक्ट्स विच आई हैव बॉट फ्रॉम दिस नायका सुपर समर सेवर सेल. एंड नाउ एज प्रोमिस्ड आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस फ्यू थिंग्स विथ यू कि आपको क्यों और कैसे सेल्स में परचेज करना चाहिए. ओके तो सबसे पहली चीज, तो आप हमेशा ईयर में ना आपको पता होता है कि सेल कब कब आने वाली है. जैसे आई टेल यू ईद सेल आती है, मॉनसून सेल आती है, एंड यू नो विंटर सेल आती है. जब कोई सीजन चेंज होता है उसकी सेल आती है, होली सेल आती है. तो हमेशा दिमाग में रखो कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है और आसपास कोई सेल आने वाली है या कोई फेस्टिवल आने वाला है, तो हमेशा उस ही टाइम पे प्रोडक्ट्स परचेज करने चाहिए. ठीक है. और इवन और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे ऑफर मिलते हैं और कुछ गुडीज भी मिलती हैं, जो कि कभी आप जैसे कस्टमाइज किसी को गिफ्ट दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो ये छोटी छोटी गुडीज आप ऐड कर सकते हो उसमें. तो एक बहुत अच्छी चीज है. ओके सेकेंड पॉइंट इज कि हमेशा जो हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक ब्रांडेड जो काफी फेमस ब्रांड्स है, लाइक एस्टेल ऑर्डर हो गया, मैक हो गया, और बहुत सारे ब्रांड है, हुडा ब्यूटी हो गया, एंड देयर आर सो मेनी ब्रांड्स. ओके दीज आर जस्ट एग्जांपल्स. तो ऐसे प्रोडक्ट्स में पक्के से जो सेल आती है ना, उस टाइम बहुत अच्छे ऑफर्स आते हैं. तो उस टाइम आपको पहले तो फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे इनके काफी ज्यादा. इसमें कई बार होता है 10%, 20%, 25% डिस्काउंट्स मिल जाते हैं. इसलिए हमेशा ध्यान रखना हाई एंड प्रोडक्ट्स को हमेशा सेल में परचेज करना. ओके तो ये रहा दूसरा पॉइंट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट थर्ड पॉइंट. ओके तो थर्ड पॉइंट में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि क्या होता है, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स के जो मिनीज होते हैं ना, उसको एज अ यू नो फ्री गुडी भेजते हैं. तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको अलग अलग चीजें ट्राई करने का शौक है, तो हमेशा अगर आप सेल में परचेज करोगे ना, तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे. आप उनको ट्राई करके उनके बड़े पैक्स बाद में मंगा सकते हो. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई हैव परचेज दीज किट्स, मतलब ये फ्री मिली मुझे, तो मेरे लिए कितना आसान हो गया ना. सोचो आप, अब मैं इनमें से ट्राई करूंगी, जो भी किट मुझे सबसे ज्यादा सूट कर रही होगी उसका मैं बड़ा पैक मंगा लूंगी.
और इससे क्या होगा ना, अगर वो सूट नहीं करते तो आपका पैसे वेस्ट नहीं होते ना, एटलीस्ट आप कम से कम वो पैसे बचा सकते हो, क्योंकि आपके पास छोटा प्रोडक्ट था, छोटा प्रोजेक्ट में, और वो भी फ्री मिल रहा था। तो ये 3-4 पॉइंट है। उसके अलावा और चौथा पॉइंट जो है, जब आप ऑनलाइन पे करते हो ना सेल के टाइम पे, तो आपको ऑफ मिलता है। जैसे मैंने अभी सेल किया, परचेज किया था, तो देयर वाज 10% डिस्काउंट अप टू 500 रुपीज अगर 4000 के ऊपर परचेज करो। तो एनीवेज मेरा 4000 के ऊपर परचेजिंग था, तो मुझको इतना कुछ मिला, ओके, एंड इवन 500 रुपीज ऑफ मिला। तो दैट्स इट। आई नो दिस वीडियो इज क्वाइट लॉन्ग, बट मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बस बताना चाहती थी कि यार आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अपने स्टॉक में रख सकते हो, जो आने वाली सेल में आप परचेज करते हो, क्योंकि अभी मॉनसून सेल आने वाली है, ठीक है। मॉनसून सेल में भी काफी ऑफ होता है, तो आप उस टाइम पे ये सारे प्रोडक्ट्स परचेज लाइक अपने कार्ट में रखो, और जब भी ऑफर आता है, कुछ डिस्काउंट आता है, उसको परचेज कर लो। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो डू शेयर विथ योर गर्ल्स, ओके। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ। बाय बाय।